गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। माय सेल्फ सुनील कुमार प्रजापति एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास नाइन्थ साइंस एनसीईआरटी, आपका चैप्टर बायो का पार्ट जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो प्रिय बच्चों, इससे पहले मैंने एनसीईआरटी के इंटरेस्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन दे चुका हूँ। अब आइए एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दिया जाए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा हमें कि कंपैरिजन टू राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में आपको क्या करना है, अंतर करना है, डिफरेंट करना है, ठीक है, उनका कंपैरिजन करना है, तुलना करिए कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, एक तरफ एनिमल सेल है और एक तरफ प्लांट सेल। तो एनिमल सेल में आप देखिए कि एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉल साइज की होती है एंड प्लांट सेल दैट आर लार्जर साइज की होती है, ठीक है। एनिमल सेल में सेलवाल अब्सेंट होती है, प्लांट सेल में सेलवाल प्रेजेंट भी होती है। और क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल इज सराउंडेड बाई रिगिड सेलवाल ऑफ सेलुलोज। और सेलवाल किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से मिलके बनी होती है, ठीक है ना। तो प्लांट सेल में जो है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसके द्वारा ढकी रहती है, सेलवाल के द्वारा। और सेलवाल किससे मेड अप ऑफ सेलुलोज के द्वारा। एनिमल सेल में देखिए, एक्सेप्ट ऑफ प्रोटोजोवन यूग्लिना नो एनिमल सेल प्रोसेस प्लास्टिड्स। भाई आप प्रोटोजोवन यूग्लिना में अगर आप देखें, ठीक है, तो इस एनिमल सेल में, फिर आगे नो एनिमल सेल प्रोसेस इन प्लास्टिड्स, भाई अन्य किसी में प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता है, क्योंकि यूग्लिना जो है एक प्रोटोजोवन एनिमल्स है और इसको आप एनिमल्स एंड प्लांट्स के बीच की कनेक्टिव लिंक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। एनिमल्स होते हुए भी ये प्लांट से कनेक्टेड रखता है। वहीं पर अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन एक अपवाद होता है ना कि प्रोटोजोवन में एक ऐसा एनिमल्स है जो कि जिसमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, बाकी किसी में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब एनिमल सेल में आप देखते हैं कि वैक्यूल इन एनिमल सेल्स आर मेनी स्मॉल एंड टेम्प्रोरी। भाई या तो वैक्यूल होंगे तो बहुत छोटे होंगे या तो नहीं होंगे एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल की बात करें तो मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल हैव ए परमानेंट एंड लार्ज सेंट्रल सैप वैक्यूल। तो प्लांट सेल में तो बहुत बड़े बड़े लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी पाए जाते हैं। एनिमल सेल हैव ए सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गॉल्जी ऑपरेटस। भाई एनिमल सेल्स में अगर आप देखें तो हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोमिनेंट गॉल्जी ऑपरेटस पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, मेनी सिंपल यूनिट ऑफ गॉल्जी ऑपरेटस कॉल्ड डिक्टियोसोम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अगर एनिमल सेल में गॉल्जी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें सिंपल होते हैं, लेकिन गॉल्जी कॉम्प्लेक्स को प्लांट सेल में हम क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। एनिमल सेल हैव सेंड्रोसोम एंड सेंट्रियोल। भाई एनिमल सेल्स में आप देखते हैं कि सेंड्रोसोम और सेंट्रियोल्स दोनों पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल में देखा जाए तो सेंड्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक बच्चों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू देखें, हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम ए यूकैरियोटिक सेल। अब बताइए कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको देखना है। तो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, तो दोनों में डिफरेंस आप देखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में लिखा हुआ है कि सेल साइज जनरली 1 to 10 मिली माइक्रॉन होती है, वहीं यूकैरियोटिक सेल की साइज लार्ज 5 to 100 मिली माइक्रॉन होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है, लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए ओनली ए सिंगल क्रोमोजोम्स आर इज प्रेजेंट। केवल प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोजोम्स होते हैं, यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोजोम्स भी होते हैं।
न्यूक्लियोलस इज एबसेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज आर एबसेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। सेल डिवीजन बाय फ्यूजन आर बडिंग ये किस में होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन सेल डिवीजन मियोटिक आर मियोटिक एंड माइटोटिक जो होता है ये किस में होता है? यूकैरियोटिक सेल में होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर आ ब्रेक डाउन, यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाए या रप्चर हो जाए या टूट जाए तो क्या होगा बताओ? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सेल मेम्ब्रेन जिसे सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा गया है वही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल दैट मेंटेन इट्स होमियोस्टेसिस। तो भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा गया है, क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? समस्थापन बनाए रखती है, होमियोस्टेसिस को मेंटेन किए रहती है। दैट इज कांस्टेंट इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सेल, कोशिका के अंदर का जो कंपोजिशन है उसको क्या करती है? सामंजस्य बनाए रहती है ना। इट इज रप्चर आ ब्रेक डाउन द कांस्टेंट इंटरनल केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल विल बी लॉस्ट एंड विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट्स बेसिक फंक्शन। भाई यदि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर का जो सेल के अंदर का केमिकल कंपोजिशन है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, क्रियाकलाप जो एक्टिविटी है वो नहीं हो पाएगी अच्छे से, बेसिक फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो सच सेल विथ रप्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज किल्ड, यानी कि फिर वो क्या होगा कि रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, तो इससे वो मर जाएगी वो सेल, ठीक है। व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ देयर इज नो गाल्गी ऑपरेटस, तो आप बताइए यदि गाल्गी ऑपरेटस ना हो तो जीवन में क्या प्रभाव होगा? द मटेरियल सिंथिसाइज इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टोर्ड मॉडिफाइड पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गाल्गी ऑपरेटस। पैक प्रोडक्ट्स इन वेसाइकिल्स द सिक्रेटरी वेसाइकिल्स, आप समझ गए होंगे कि भैया द मटेरियल सिंथिसाइज इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टोर, भैया जो भी मटेरियल का निर्माण होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर करती है, उसको मॉडिफाइड करती है और उसको पैक भी करती है और वेरियस टारगेट इनसाइड द आउटसाइड सेल तक उसको पहुंचाने का कार्य ये सब किसके माध्यम से किया जा रहा है? गाल्जी ऑपरेटस, ठीक है, गाल्जी ऑपरेटस तो यही है। तो गाल्जी ऑपरेटस प्रोडक्ट्स इन वेसाइकिल्स सेक्रेटरी वेसाइकिल्स, ठीक है ना। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर एग्जांपल सेलुलोज मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन गाल्जी ऑपरेटस। द गाल्जी ऑपरेटस इज आल्सो इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल्स विच विल नॉट बी पॉसिबल इफ गाल्जी ऑपरेटस इज नॉट देयर, समझ गए। तो गाल्जी ऑपरेटस में इन्वॉल्व होते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द सेल कोशिकाओं का निर्माण होता है ना, विल नॉट बी पॉसिबल आ गाल्गी ऑपरेटस नॉट देयर, इसके बिना जो है कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑर्गनलीज इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल वाई, भैया ऐसी कौन सी ऑर्गनलीज है जिसे कहा गया है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे कंटेन एंजाइम दैट आर नीडेड फॉर स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स कार्बोहाइड्रेट फैट एंड लिपिड प्रेजेंट इन द सेल टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो भैया पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है,
क्योंकि उसमें क्या होते हैं, कंटेन एंजाइम्स एंड नीडेड फॉर स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ठीक है ना। और इसके साथ साथ प्रेजेंट इन द सेल टू CO2 एंड वाटर। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो रिलीज एनर्जी, एनर्जी मुक्त होती है, विच इज यूज टू फ्राम हाई एनर्जी ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है। मॉलिक्यूल्स, ATP इज नोन एन एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी किसे कहा गया है, ATP को कहा गया है। तो बच्चों यहाँ भी ध्यान रखिएगा, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ना, एंड इट इज यूज सेलुलर फ्यूल, और जो कि किस रूप में यूज की जाती है, कोशिकीय ईंधन के रूप में। एनर्जी स्टोर्ड इन ATP इज यूज टू ब्रिंग अबाउट एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिविटीज ऑफ द सेल सच एज फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो है कई क्रियाकलाप को जो है करने में जो है ये हेल्प करती है माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कि वेयर डू द लिपिड एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो आंसर में आप लिखिएगा RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER सिंथेसाइज प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और लिपिड को कौन करते हैं, सिंथेसाइज लिपिड कॉन्स्टिट्यूटिंग सेल मेम्ब्रेन, SER। हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड्स, अब बताइए अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो अमीबा भी एक प्रोटोजोअन एनिमल्स होता है, भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो अमीबा हैज फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन। अमीबा की जो चारों ओर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है बहुत लचीली होती है, तो इट इनेबल्स अमीबा टू इनगल्फ इन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड इंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो वो भोज्य पदार्थ को इंडोसाइटोसिस के माध्यम से अपने अंदर इंटर कर लेता है। व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस किसे कहा जाता है, द डिफ्यूजन ऑफ वाटर आर सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए सोल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू ए सोल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। भैया कम कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन की ओर मूव करना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। विच इज द मेम्ब्रेन रिलेटिवली इम्परमीएबल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। एग्जाम्पल ऐसे आप समझ लीजिए ना, किशमिश का एग्जाम्पल समझ लीजिए। किशमिश अगर आप वाटर में डाल देते हैं तो वाटर क्या होता है, उसकी सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से अंदर पहुंच जाता है वाटर, तो कोशिका क्या होती है, किशमिश की स्वेल कर जाती है, फूल जाती है ना, क्योंकि कोशिका किशमिश के अंदर कंसंट्रेशन हाई है, इसलिए वाटर मूव कर जाता है हाई कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो इस तरह से आपका ये NCERT के क्वेश्चन कंप्लीट हुए एक्सरसाइज के। किसी को कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं, किसी को कभी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो हमें कमेंट करें, और लगातार इस चैनल से बने रहने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, क्योंकि आप लोग घर में हैं और जब आप कमेंट करते हैं और आपको इसके आगे भी वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट करते हैं, तो हम मोटिवेट करके आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो लेक्चर अपना ले करके देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।